हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास सेवेंथ की एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 सारी कंप्लीट की हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है। इसका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। इसमें करना क्या होता है, सिर्फ मल्टीप्लाई करनी होती है, सिंपली मल्टीप्लाई करनी होती है, वो करना है। इन क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि हमें कोई भी इंटीजर दिया गया है, जैसे मान लो कि 2 को हमने 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। कोई भी वैल्यू है जिसे हमने 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर हमारा हमेशा 0 ही आएगा। ऐसी 25 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, जो भी वैल्यू हमें दी गई है, जो मर्जी हो, ठीक है। अगर एक भी डिजिट हमें 0 से मल्टीप्लाई करने को मिल गया तो आंसर हमेशा हमारा 0 आएगा। इसी तरह जैसे मान लो 2 प्लस का 2 है, ठीक है, दोनों ही प्लस, यहाँ भी 4 है, ये भी प्लस का है, ठीक है, 2 ये भी प्लस का है वैल्यू, ये भी प्लस का है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। 2 4 8, तो ये भी 8 क्या आएगा, अभी प्लस में आएगा। अगर हमें 1 माइनस दिया गया है, 1 हमें प्लस का दिया है, अगर कोई भी साथ में कोई साइन नहीं लगा तो इट मीन्स क्या होता है कि वो प्लस का है। ये माइनस का 2 है, ये 4 प्लस का है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस का, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, तो आंसर हमारा माइनस में होगा। इसी तरह अगर हमें 2 माइनस दिए गए हैं, जैसे मान लो 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 4, ठीक है, 2 माइनस किए गए हैं, 1 अगर 1 माइनस का आता है तो हमारा आंसर होगा माइनस का। इसी तरह अगर हमें मान लो 2 प्लस का दे दिया गया और 4 माइनस का दे दिया, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस 8। क्लियर, ये भी हमारा आंसर माइनस आएगा, चाहे कोई भी हो, अगर 1 हमें माइनस दिया गया तो आंसर हमारा माइनस में आएगा। अगर हमें 2 जो है, दोनों दो इंटीजर दिया गया जिसे हमने मल्टीप्लाई करना है, दोनों ही माइनस के हैं, तो हमारा आंसर कैसे आएगा, ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा ऐसे, ठीक है, तो ये भी प्लस का हो गया, अभी ये भी प्लस का, तो आंसर हमारा कैसे आएगा, 8 प्लस में, ठीक है। इसको एक और सिंपल तरीका होता है, जैसे मान लो ये तो अभी 2 डिजिट दिए गए हैं, ठीक है ना, तो भी हमें पता लगे इसके काट दिया। अगर मान लो ये 2 प्लस का है मल्टीप्लाई 4, ठीक है, ये माइनस का है, ठीक है, यहां पर आ गया मल्टीप्लाई 2, ये माइनस का है, ये क्या आ गया, अभी मल्टीप्लाई 2, ये भी माइनस का है। अभी हमें देखो, आप ध्यान से देखो कि हमें कितने माइनस दिए गए हैं, आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लो सभी को, ठीक है, 2 4 8 8 4 8 2 16 16 2 32, ये हमारा आंसर आ गया सिंपली, ठीक है। अभी आप काउंट कर लो कितने माइनस है, माइनस ये है, ठीक है, 1 2 3, 3 2 पे डिवाइड होता है नहीं, तो ये माइनस का आंसर आ जाएगा। या ऐसे कर सकते हो, ये माइनस का है, ये माइनस का, इसका माइनस को इसका माइनस से काट दिया तो रह गया 1 माइनस, तो जो 1 माइनस रहता है वो आंसर में आएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा जब भी मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। अभी हम एक्सरसाइज में करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, उसका पार्ट नंबर 1 है -15 × 0। जैसे हमने पीछे भी किया था कि अगर 0 से कोई भी इंटीजर दे दिया गया, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो, तो आंसर हमारा कैसे आएगा, आंसर हमारा हमेशा 0 ही आएगा। -15 × 0 = 0 आंसर, ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। अभी सेकेंड सम है -30 × 1, ठीक है, अभी 1 माइनस है, अभी मैंने पीछे किया था ना कि 1 माइनस, अगर 2 माइनस होते तो आपस में कट हो जाने थे, मगर 1 माइनस है तो 35 × 1 = 35, ठीक है, तो माइनस में आंसर आएगा हमारा ये वाला, ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर -35। थर्ड है -13 × 12, ठीक है, माइनस का 12, तो हमें क्या करना है, ये देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, तो हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं -13 × -12, ये माइनस आपस में क्या हो गया, कट, इस माइनस से इस ये वाला माइनस कट हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास वैल्यू, 13 − 12, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 13 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा आंसर हमारा 156,
ठीक है, ये हमारा आ चुका है आंसर। आप करके देख सकते हो, 13 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो 115 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों प्लस के थे तो आंसर भी हमारा प्लस का आएगा। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, -20 × 16। तो अभी हमने क्या करना है, इसको 20 को 16 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आएगा यहाँ पर हम एक बार उतार लेते हैं, -16। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस में, इज इक्वल टू -320 आंसर। ठीक है, आप 20 को अगर 16 यहाँ पर करके देख सकते हो, को अगर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 6 0 0 6 2 12 0 एंड 2, इसको अब हम प्लस कर देंगे तो आ गया हमारा 320। तो ये माइनस का आएगा बिकॉज हमारे पास एक माइनस का साइन था। आपने साइन का हमेशा ध्यान रखना है कि आंसर लिखने से पहले। ठीक है, आगे है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन है -15 × -4 × -5। अभी देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस, ये आपस में अभी कट हो गए। ठीक है, ये वाला माइनस इस माइनस से कट हो गया, तो क्या लिख देंगे हम, 15 × 4 × -5 एज इट इज रह जाएगा। ये भी प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया। अभी हम इसको सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा आंसर हमारा, 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 15 × 4 = 60। ठीक है, 60 × -5। अगर हम 60 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 6 × 5 = 30, तो 0 का 0 आ जाएगा, ये 13। ठीक है, 300 ये माइनस का आएगा बिकॉज हमारा एक साइन जो था वो माइनस का, तो -300 हमारा आ चुका है आंसर। नेक्स्ट है, अभी आप ऐसे भी देख सकते हो, 1 2 3, आपने सिंपली पहले 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर हमारा 300 आ गया। तो आप बाद में देख लो कि कितने हैं, 1 2 3 हमारे कितने हैं, 3 है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होते तो इट मींस माइनस में आंसर आएगा। अगर ये 4 होते तो ये प्लस में आना था। ठीक है, जब भी हमारा जो ऑड होती है, जब भी हमारे जो साइन है ऑड में होंगे तो हमारा आंसर हमेशा माइनस में आएगा। क्लियर, आगे है -8 × -5 × 9। तो अभी देखो ये वाला माइनस इस माइनस से कट हो गया, तो क्या आ गया, ये प्लस का बन जाएगा, 88 − 8 × 5 × 9, 8 × 5 = 40, 40 × 9। ठीक है, 40 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 × 4 = 36, 0 का 0 आ जाएगा, 360 हमारा क्या आ चुका है अभी आंसर, ये प्लस में आएगा बिकॉज कोई वैल्यू अपने हमारी माइनस में नहीं थी। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 7, −2 × −5 × −4 × −10। तो ये वाला माइनस इस माइनस से कट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो माइनस है वो इस वाले माइनस से कट हो जाएगा, तो भी हमारे पास कोई भी माइनस नहीं बचता। जो हम यहाँ पर लिख दें 2 × 5 × 4 × 10, तो हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम, 5 × 2 = 10, 10 × 4 = 40, 40 × 10 = 400। तो आप यहाँ पर 40 × 10 भी कर सकते हो, 40 × 10 = 400 आंसर हमारा आ चुका है अभी प्लस में। नेक्स्ट है 8 को मल्टीप्लाई करना हमने 0 से। ठीक है, तो ये 8 को हम −8 को हमने 0 से मल्टीप्लाई करना, जब भी हमें 0 से कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई करना होता है तो आंसर हमेशा तो हमारा क्या आता है 0। जब हम a −8 को मल्टीप्लाई 0 + पहले हम ब्रैकेट वाला कर लेते हैं। ठीक है, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है। ठीक है, ये −5 है −4 है, तो ये वाला माइनस इस माइनस से कट हो गया, 5 × 4 = 20, तो ये आ गया हमारा 20, इसको हमने 0 से मल्टीप्लाई करा, 0 0 + 20 आंसर क्या आ गया हमारा, 20 प्लस का हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर जो है फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आज की वीडियो वो खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा आपको आगे की जो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। थैंक यू।